उबर ड्राइवर सिर्फ ओला उबर टैक्सी ऐप एग्रीगेटर पॉलिसी के ऊपर निर्भर है। तो भाई मैं अपनी एक स्ट्रेटजी जो होती है ना वो बता रहा हूँ आप लोगों को। इस बात को समझना सीखना बहुत जरूरी है बॉस। क्यों? क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं तो आप सभी भाइयों को राम राम। मैं मदन अपने YouTube AT ब्लॉग में करता हूँ स्वागत। दोस्तों आज जो बात करने वाले उस पर बारीकी से समझना वाली पॉइंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों Uber मार्केट में क्यों ऐसा कर रहा है आप लोगों को समझना चाहिए पॉइंट को, ठीक है। दोस्तों मार्केट Uber ने क्यों खराब कर रहा है अपना, आज 90% ड्राइवर टिके पड़े हैं जो ओला उबर लाइन में है, तो सिर्फ उबर पे नहीं तो ओला पे तो कतई नहीं। अब रैपिडो आ गई है मार्केट में तो रैपिडो पे भी टिके पड़े हैं लोग, मिला जुला के घर चलने वाली बात है, मतलब मिली जुली सरकार वाली बात है दोस्तों। तो इस बात को समझना चाहिए। सभी भाइयों को नमस्कार रहेगा और जो ओला उबर का ड्राइवर भाई को थोड़ी सी कड़वी वाली बात होगी और अच्छी भी होगी। तो दोस्तों देखिए सभी ड्राइवर भाइयों से बस रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो मुझे कमेंट भी करिएगा अपना कि क्या इस पॉइंट के वीडियो को अच्छा लगा बुरा लगा क्या है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि देखिए सभी बंदे जो है ना ओला उबर लाइन में ड्राइवर भाई, वो ओला उबर ड्राइवर सिर्फ ओला उबर टैक्सी ऐप एग्रीगेटर पॉलिसी के ऊपर निर्भर है कि मुझे उबर ड्यूटी देगा तो मैं जाऊंगा नहीं तो खड़ा रहूंगा। ऐसा क्यों करते हो यार, ऐसा आप क्यों करेंगे? आपके पास माइंडसेट लगाओ, माइंड को इस्तेमाल करो। मैं भी करता हूँ भाई, मैं अपनी एक स्ट्रेटजी जो होती है ना वो बता रहा हूँ आप लोगों को। इस बात को समझना सीखना बहुत जरूरी है बॉस। क्यों? क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं तो आप चलेंगे क्या, टिकेंगे नहीं मार्केट में, बड़े बड़े वेंडर आपको खा जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने नाम का कार्ड छपवाओ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट खुद का करो ओला उबर के कैब राइड में। आप उनको बोलो सर कि भाई आपको कहीं जाना हो सर एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। अपने आसपास के लोगों को नंबर बांटना शुरू कर दो भाई। अगर मैं कहता हूँ महीने में 10 बुकिंग भी आपके पास आ गई ना, महीने में 10 बुकिंग तो आपकी पर्सनल होगी, खुद की होगी, आप ओला उबर पे निर्भर नहीं रहोगे यार, समझ रहे हो भाई? क्योंकि ये फायदा आप ही का आने वाला है, हमारे जेब में नहीं आएगा। अब आपने नाम का एक विजिटिंग कार्ड बनवाओ, लाइक कुछ भी हो, जैसे मैंने आशा ट्रेवल्स रखा हुआ है तो मेरी गाड़ी के पीछे भी आपको आशा ट्रेवल लाल कलर का वो दिख रहा होगा शीशे पे, ठीक है। तो आपको गाड़ी के पीछे भी लिखवाना चाहिए और अपना नाम का एक कोई विजिटिंग कार्ड बनवाओ, जैसे महादेव ट्रेवल्स हो गई या कोई भी अपने नाम का एक्सवाइजेड जो भी है आपको बनाना चाहिए, अपना नंबर देना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर, और कस्टमर को जो बंदा मिलता है उसका नंबर डेली सेव करो अपने मोबाइल में या एक डायरी पे लिख लो और उसको गुड मॉर्निंग सर राम राम आपको डेली सुबह भेजो, कोई बुकिंग हो तो बता दे। तो इस तरीके से आपकी खुद की मार्केटिंग हुई। बड़ी बड़ी मार्केटिंग जो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। उनके पास CRM टूल होता है, CRM टूल बोले तो भाई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, वहां से वो लोग जितने भी कस्टमर उनके पास पेज पे इंक्वायरी करते हैं वहां पे उनके पास नंबर डाटा सेव हो जाता है और वो वहां से एक बार बटन दबाया सभी के पास मैसेज चला जाता है। तो हम तो भाई बड़े वेंडर नहीं है, हम छोटे वेंडर है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां मेक माई ट्रिप जैसे गोजो सवारी ओला उबर, आप तो हम लोग ड्राइवर है ना, ड्राइवर को कुछ नहीं समझ आती है, ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है। आप कस्टमर वाले कभी कस्टमर आप बन के देखो, आपको देखो आप राइड बुक नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या मैसेज आएगा, ये ऑफर दे रहे हैं हम, वो ऑफर दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ठिकाना दे रहे हैं, 5 रुपए कम कर दिए, 10 रुपए कम कर दिए, ये ऑफर हो गया, ठीक है बॉस। तो ये सब चीजें कंपनियां करती है, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। अगर आप अपनी बिजनेस में अप्लाई करते हो ओला उबर में, आपको कस्टमर ओला उबर खुद लाके दे रहा है, आपको नहीं लाने जाने जाने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पास कस्टमर बैठा, सर मेरा वीटिंग कार्ड, कभी आपको चाहिए सेवा दिल्ली से बाहर जाना, दिल्ली से मैं काम कर, दिल्ली में टैक्सी चाहिए, रेंटल चाहिए, आप मेरे से ले सकते हो। आप ओला उबर से सर्च करो अपने हिसाब से रेट और एन को दे दो। ओला उबर 220 बता रहा है तो आप 210 बता दो, मतलब आपकी जो कमीशन है ना वो बचने वाली आपको एक्स्ट्रा, ये भी दिमाग में रखना। तो भाई सबसे बेस्ट है मार्केटिंग खुद की करो, ओला उबर पर निर्भर ना रहो। जिस ड्राइवर भाइयों को मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी लगने दो भाई, लेकिन जो हकीकत है ना वो मैं बयां कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए कि ओला उबर मार्केट को खाया जा रहा है, टैक्सी लाइन को खाता जा रहा है, अपनी कमीशन भर रहा है। आपको एक अगली एपिसोड में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कंपनी की पिछले साल की रेवेन्यू जो ITR फाइल किया गया है उसकी रेवेन्यू कितनी थी और इस साल की रेवेन्यू कितनी थी, समझ रहे हो भाई?
कंपनी एक साल में 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कर रही है सारे खर्चे काट के, आईटीआर में ये दिखाया गया है, और हमें हम कितने करोड़ का प्रॉफिट किया जा रहा है ये बताओ। अगर सीएनजी ना हो ना, अगर गाड़ी पेट्रोल में चलाना पड़े तो भाई बहुत सारी जेब में तो आने का है नहीं, सेवा करने वाली बात हो जाएगी। तो भाई सभी से हाथ जोड़ के 10 उंगली जोड़ के निवेदन है कि आप लोग खुद की मार्केटिंग कीजिए ओला ओवर पे कम, जब तक आपकी अच्छी मार्केटिंग ना हो जाए तब तक ओला ओवर भी चलाना है आपको। ये नहीं कि ओला ओवर आज छोड़ दिए कल से अपनी कार्ड बांटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। आपको गाड़ी में कस्टमर बैठा, कस्टमर से 2-4 बातें कीजिए, बातें करने के बाद आप उनको कार्ड पकड़ा दिए, सर मेरी सर्विस कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मुझे रेटिंग भी जरूर कीजिए और मेरा ये नंबर ले लीजिए, कभी भी आपको टैक्स की जरूरत हो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपने मार्केटिंग कर ली। दूसरी बात आती है कि आप अगर सपोज कीजिए कि आप हरिद्वार में हो और आपके पास दिल्ली से बुकिंग आ गई, तो बहुत सारे ऐप है, जहाँ कौन सी ऐप है, टैक्सी बाजार है, एयान कैब है, वहां पे आप खुद की आईडी पोस्ट कर सकते हो, खुद की ड्यूटी पोस्ट कर सकते हो। लाइक आपको 150 रुपए कमीशन कंपनी को देना पड़ेगा और आप 500 की ड्यूटी पकड़ के, 5000 की ड्यूटी पकड़ करके आप वहां पे 4000 में बेच सकते हो, आपको 1000 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा, 100 रुपए उस प्लेटफॉर्म का फीस कट जाएगा, और इस तरीके से आप मार्केटिंग खुद की कर सकते हो। जब तक आपके पास ऐप नहीं है या आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो, और गाड़ी भी जेन्युइन पहुंचेगा क्योंकि और भी ड्राइवर उनसे जुड़े हुए और वहां से काम करते हैं लोग, है ना। तो आप लोग को भी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है भाई। अगर मेरी ये जानकारी आप लोग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो लाइक ठोक के जाना लाइक, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक ठोक के जाना भाई, मेरे तरफ से दोनों ऑफर है, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिए, पुराने व्यूवर्स है अपने फ्रेंडों में भी कर दीजिएगा, और एनी क्वेश्चन एनी डाउट कुछ भी हो मुझे डायरेक्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप का लिंक है वहां पे मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप जोड़ सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, बाकी डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रहे एटी ब्लॉग मदन भाई, जय हिंद जय भारत।